राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है, जहां हर किसी को अब बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। वहीं बीजेपी खेमे से अब कई नए और पुराने चेहरों को लेकर अटकलबाजी का दौर भी चल पड़ा है, जहां माना जा रहा है कि बीजेपी कई नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। इसी कड़ी में राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर से युवा नेता रविन्द्र सिंह भाटी का नाम जोरों से चर्चा में है। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से तैयार टिकटों के पैनल में भी भाटी के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि भाटी अभी किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है और वह निर्दलीय ही शिव विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की हाल में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान बीजेपी के 39 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे के बाद बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। दरअसल रविन्द्र सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से चुनावी दावेदारी कर रहे हैं, जिसके लिए इन दिनों वह शिव के छोटे छोटे ढाणियों में पहुंचकर जन संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, जहां भाटी की यात्रा 6 दिन तक कई गांवों में पहुंच गई है। यात्रा के दौरान भाटी गांवों में लोगों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं। इधर भाटी की यात्रा को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से रविन्द्र भाटी गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उस तरह से आज तक कोई नेता नहीं आया है। मालूम हो कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के 57 साल के छात्र संघ चुनावी इतिहास में 2019 में पहली बार भाटी ने निर्दलीय जीतकर इतिहास बनाया। इन चुनावों में छात्र नेता ने 1294 वोटों से जीत मिली थी, जिसके बाद ही भाटी राजस्थान में युवा राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरा था। शिक्षक पिता के घर में पैदा हुए भाटी आज युवाओं के चहेते हैं और युवाओं के मुद्दों पर पिछले 3 सालों से लगातार वह मुखर रहे हैं। रविन्द्र सिंह भाटी ने 2016 में छात्र राजनीति में कदम रखा, जहां उन्होंने जय नारायण विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी के साथ धरना प्रदर्शन आदि में शामिल होकर छात्र हितों के लिए आवाज उठानी शुरू की। इसके बाद 2019 में उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन एबीवीपी से टिकट नहीं मिलने पर वह निर्दलीय मैदान में उतरे। वहीं छात्र राजनीति के बाद भाटी शिव विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, जहां बीते दिनों पशुओं में फैले लंपी रोग के निदान के लिए उनकी ओर से एक अभियान चलाया गया था। इसके साथ ही भाटी युवाओं के मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। हालांकि भाटी ने अभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी अगर उन्हें मौका देती है तो वह उसके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जितने तक कुगंडर वास्ता भी कई सारा जोर लगाना पड़े, तेल तो बड़ा बुजुर्ग कई बार कहता कि अजा तक रोड को नहीं है, अजा तक मोबाइल टावर को नहीं है, स्कूल को नहीं है, लाइट पानी की तो बात ही फिटी करा तो लागो की साहब 21वीं सदी रवीना एड़ा कदे के गांव हो सके कि जिके रवीना एड़ी स्थिति है, टावर कोनी है, फोन नटाल तो मोटियारा पूछो कि घंटों पर नेट बंद हो तो दिखेड़ा छेड़ा ठोके दौर रवीना जे कोई कहे कि साहब टावर कोनी है तो बड़ी यहाँ लागे कि साहब कोई मजाक करता उसे, बिना मोबाइल रहे, बिना टेक्नोलॉजी रहे, बिना डिजिटलाइज रहे, जीवन कहां कर चलते उसे तो वे दौर मीना जाए करे फिरे करे पहले चरण रहे मीना गांव गांव डाणी डाणी जाए करे। आप सब हमारे बीच में ना आयो, आप सब हमारे परिवार रहो, घर रहो, आप साथ पीढ़ियां भेड़ा रहे, प्रेम रहे हो, घरों पर रहे हो, आने वाले टाइम रे मीना भी समझ मोटियाराम मीना भी निवेदन करनी चाहो कि ये प्रेम ना, ये भाईचारा ना, ये अदब कायदे ना आप कांकर ले सका, आगे कांकर ले बढ़ सका, इस वास्ते आप सब ना मिले सामूहिक रूप में ना प्रयास करना चाहिए। अपना ये प्रेम भाईचारो है विरासत में मिली हुआ और ये विरासत ना जो को आगे ले बढ़े वे ना सपूत गई जे और जो को नी ले बे सके वे ना कपूत गई जे और मिना लागे कि अपने ए तो हर युवा सपूत है, मोटियार है, लौटो है और ये प्रेम ना ले गए है ना। वो बेतीन गांव मीना मंडाली मीना लक्ष्मीपुरा मीना बाडली फांटा मीना या जाए करे आयो सभा मिले करे आयो ओ थरे लोगों री समस्या की है, स्थिति की है, हलीचली की है, था पड़े ईर वास्ते पूछने वास्ते गयो तो कल हूं गिरा बाड़े हुए पट्टी रमीना तो आसाड़ी अगासड़ी उगेरी दिशा जे ट्यूबेल आरो
ज्यादा है उआ बिच में गयो तो उआ ना लाइट री समस्या है ट्रिपिंग रे कारण रोज ने मोटर बड़े पड़े लाइट टाइम माते मिले को नहीं थी इया जदि लक्ष्मीपुरम इया निकले हो जदि उआ कहो कि साहब पानी री अपने इतनी मोटी समस्या है कि लाइन गोडे करे निकले थी पर अपना पानी दे को नहीं था बीजा सब गामा ना टाइम माते पानी मिले पड़ो पर अपना अजा तक टंकियां नवाड़नी पड़े और एक आम आदमी गरीब आदमी किसान आदमी 1200-1200-1400 रुपये रे पानी रे टंके कितने टाइम तक नवाड़े और माडे पेट काटे अपना ये तो कोई रोजगार मोटा संसाधन तो है को नहीं इंडस्ट्रियल एरिया तो है को नहीं सब मजूरी करे खेती करे चार रुपीड़ा भेड़ा करे जो कोई टंकिया वाला ले पाता है वे स्थिति रे मेरा जीवन यापन नहीं बड़ा मुश्किल हुई तो ऐ सब चीजें जदे मैं धरातल माता है जदे ठा पड़े पेल सुनता करता कोई के तो कर तो पर हकीकत रे मीना जदे रूबरू हुआ जदे ठा पड़े कि अपने एक संगम भूडी स्थिति और यहां स्थितियां ना सुधारने वास्ते आप की प्रयास कर सका कांकर आप बदलाव ला सका ये वास्ते आप सब ना भेड़ो हुए प्रयास करना चाहिए आप सब माना बताओ कि मैं की चीज कर सका कांकर मदद कर सका तारे बाडली फाट टाइम कहो कि पाइप तो गोडे कर निकले पड़े हमें काटने वालों आदमी चाहिए मैं उन्हें कहो मारे हो तो भी कई सारा एडा दरवाजा आता जो ताला दिनोड़ा था सब कहता कि इतना साल बंद पड़ा कून खोले ले सरिया कुल्ली खोले में आया था हुआ मीना ताला तोड़े करे यूनिवर्सिटी रे आया तो आप खेलार ले चीजा छोड़ो कि कांकर पानी लैन हुए कांकर हुआ को डम पाइप लगाई लैन हुए वो मेरी जिम्मेदारी है थे तो थे थारी जगह लांठा रहा बाकी मैं आई पानी कांकर पुगाणु है नहीं टाबरा री पढ़ाई कांकर करानी है बड़ा बुजुर्ग ना हेल्थ सुविधा कांकर देनी ये समारोह वास्ते पूरे तरीके में थे निश्चिंत रहे बीजे चीजा होते रहे करता रहे 50 साल आप सबारे बिच में काटना है आप सबारी सेवा कर हाँ तो सब चीजा अपने आप मिल है क्या कुछ जाऊ की जरूरत को नहीं पड़े मैंने कई सारा लोग कहे आप सब घर रहा बैठा हो कई सारा लोग कहे कि मांटी जयपुर दिल्ली रे मेरा टिकटा और कुल्ली दौड़ा पड़िया थे यू जाए प्रयास क्या कुन करो ईद मनखा बिच में ए तो पछ ही रहा आस है मैं उन्होंने कहो मैं साहब जनता है जो तय कर स कि वे ताज रे माथे वे कुर्सी रे माथे कौन बेसे जयपुर दिल्ली वाला ठीक है पानी दे से पो पर वोट तो देने वाला ए लोग है और इया जे ठान ली तो जयपुर दिल्ली वाला ओ तीज बैठा रहे है वे रे उदाहरण है कि 2019 रे मीना एक लो तो प्रयास समा कोटे करियो जेड़ो हुओ जेड़ो करियो पर वे जगह कोई आडो को नहीं आयो आडो आया तो समस्त जनता आई 36 कौम रहा युवा आया और वहां जे जनता ठान ले तो कोई दुनिया री ताकत को नहीं है कि ये जनता ना रोक सके कांकर सही बात है को नहीं है देखो काम करनु है राजमीना रे करो बार रे करो कांकर ही करो लारला 5-6 साल मीना सुबह 6 बजे चप्पल हाथ में लिया रात 11 बजे तक बराबर दौड़ा मेहनत करा कह रहे पगा ताकि जनता ना कह सका कि साहब ए काम है 19 रे मीना जदे यूनिवर्सिटी मौको मिलियो जदे विधानसभा रो घेराव करियो कई बार जेल गया कई बार मुकदमा हुआ कह रहे वास्ते था कि उहा स्टूडेंटा रे बीच में ना कदे जा सका कई सारे मोटिया रे जो कॉलेज रे मीना कोई हुए तो उहा ने पूछा उहा ने के सका कि साहब जदे था माना उठे मौको दिनो तो मां वे काम करे दिनो ताकि उहा ना कदे या नहीं लागे कि साहब मारो वोट के गलत की तो उहा ने भरोसा दिलाउण री जरूरत थी विश्वास दिलाउण री जरूरत उहे पगा हर संभव प्रयास कर आज भी काम करा पड़िया काम ईयर वास्ते करा ताकि ये जो परिवार रा लोग है इम कदे मिला तो एक यार आंखा रे बिना एक चमक रहे हमारी कोई बेगा रहती जो काटी बाकी चीजा होते रहे करते रहे काल स्थिति परिस्थिति कांकर की बन है वो ऊपर आ रहे हाथ में कई सारे चीजा वे जो डोकरे माता छोड़ देनी चाहिए क्या सही बात है को नहीं है तो वो उमा माता छोड़ी उड़ी है मैं मेहनत करा पड़िया मैं काम करा पड़िया मारे लाए कहीं काम लागे तो हेलो करया आदेश करया परिवार रो जाने करिया और आप रे बेड़ा हर स्थिति रे मीना हर परिस्थिति मीना मजबूती खड़ा रहा आप सभा रो समस्त गांव वासिया रो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब रो पुलिस साहब रो आप सभा रो कि आप सब तो लाड कोट दिनो प्रेम दिनो और विश्वास रे बेड़ो क्या कि आज जो को विश्वास था जतायो है वीर माधर पूरे तरीके हम खड़ा होता था बहुत बहुत धन्यवाद जय